मैं तो बच्चों को कहता हूँ कि शायद के वो लौट आए, दरवाजा खुला रखना। हाय हाय प्यो पुत्र अलहदा कर दिए इमरान खान ने, तो ये हम तो भाई भाई हैं। मैंने वो चले गए तो उनकी मर्जी है, ना जाते तो वो भी उनकी मर्जी है। कल भी उन्होंने साढ़े लो सालन मंगाया थी। नाज़रीन, शो का आगाज कर रहे पाकिस्तानी सियासत का एक मोतबर नाम, मुअज्जज नाम, जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब। सलाम अलैकुम शेख साहब। अल्लाह का शुक्र सर, ढीले ढीले लग रहे, खैर है? पिछले प्रोग्राम जो मैं केड़ा आ गए थे टेबल टेनिस खेडी आ गए। सर पिछली दफा मैंने देखा था आप एनर्जी थी। अरे अल्लाह के फजल से जनैसा एनर्जी अभी भी है। देखे एनर्जी जो होती है वो दिल और दिमाग में होती है, वो जिस्म में एनर्जी नहीं होती। आप समझते हैं कि गोगे में एनर्जी है, इसमें चर्बी है। अच्छा अच्छा सर, ये जोड़े बताएं, परवेज अलाही साहब बिल आखिर चले गए? अंतरे का सुर जरा चुक लो, जरा खड़ा खड़ा रहेगा जरा। गौरी साहब असि चौधरी होने जनाब, सियासतदान सुर नहीं चुकते, जो चुकने हलफ चुकने। ये तो वैसे ही वो छोड़ के जाने में जवानी का एक गाना याद आ गया था। कॉलेज पढ़ते होते जी जनेह साहब, ये कोई ऐसी बात नहीं है। वो चले गए तो उनकी मर्जी है, ना जाते तो वो भी उनकी मर्जी है। अच्छा चलो साहब, अब परवेज अलाही साहब के इस फैसले के बाद आपसे कहा जा सकता है या पूछा जा सकता है, तो क्या ये तय है कि अब उम्र भर नहीं मिलना? नहीं सर, ये बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सियासत उन्होंने अलहदा कर ली है, वैसे कल भी उन्होंने साढ़े लो सालन मंगाया थी। ये कोई ऐसी बात नहीं है। देखे सियासत अलहदा हो सकती है, प्यो पुत्र अलहदा कर दिए इमरान खान ने, तो ये हम तो भाई भाई हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं तो बच्चों को कहता हूँ कि शायद के वो लौट आए, दरवाजा खुला रखना, मगर इतनी देर भी ना खुला रखना कि बिल्ली अंदर आ जाए। चौधरी साहब, इस तरह की सिचुएशन पे रहसन भट्टी साहब ने बहुत पहले गा दिया और कह दिया, एक टाणी दे दो फुल सजरे, एक जिंद ते एक जान, अज दे विछड़े कद मिलणगे जाने रब रहमान। देखिए आपके इंटरव्यू के लिए कहां कहां से मैंने दानिश्वर जमा किए। जिन्हें दी दानिश्वरी सुना रहे ने भट्टी साहब, वो भी साडे गुजरात दे सर। बहुत बड़े आदमी हुए हैं हमारे शहर के, वो लेजेंड हुए हैं। जी साहब, मसला ये है, ये उनका अपना फैसला है, परवेज अलाही साहब का, और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि वो पछताएंगे कि उन्होंने गलती की थी। ये अपनी शनाख्त खो दी है उन्होंने। जनैद साहब इस तरह ही है कि तुम अगर पानी च रूफ साहब पा लो तो मुड़ के उन्होंने पानी कोई नहीं कहता, रूफ साहब कहने लग पा। परवेज अलाही साहब न कोई, परवेज अलाही साहब की अपनी पहचान नहीं रही हूँ, पी टी आई हो गए ने। तो ये तो तारीख हुआ है कि इमरान खान साहब ने देखा है इनके साथ क्या करना है। मुझे कोई टेंशन नहीं, मास हुआ इसके के नाल सारे बंदे भी ले गए ने मेरे। देखे ना जरा, मेरे मेंबर भी सारे ले गए हैं। पता नहीं उन्होंने की किया ने, मैं तो मिले ही नहीं। मैं जनैद साहब, मैं तो अपने असूलों का आदमी हूँ। मैं अपने घर में बैठा हूँ। पहले इन्होंने मुझे काफ लीग की सदारत की कश्ती से सीधा समुद्र में फेंक दिया था। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि इलेक्शन कमीशन ने मेरी तरफ लाइफ जैकेट फेंक के मुझे बचा लिया था।
अब ये खुद चले गए तो ठीक है, जाओ धानूंगी। चौधरी साहब अगर वो बंदे ले गए तो क्या हुआ? ये कल जब आप मुस्लिम लीग हाउस में गए हैं तो क्या शानदार आपका इस्तकबाल हुआ, क्या नारेबाजी हुई है। मगर वो पता नहीं था वो नारे कौन लगा रहे हैं। जितने भी पहचान वाले बंदे थे वो सारे वो ले गए हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं, अब ये लोग जो मेरे साथ हैं इंशाल्लाह ये भी नामवर हो जाएंगे। जो चोरी शिजात हुसैन के साथ लगे वो भी नामवर हो गया। नहीं नहीं चोरी साहब, वहाँ बड़ा जश्न हुआ, बड़ी देगे पकी है। नहीं नहीं देगे तो कोई नहीं पकी। उसको सिर्फ देखो का पता है। जी होरन हो रही थी डोरी थी। चाहे हमारे गोगे का यही तो कमाल है कि जाम शोरों में भी बिरयानी की देख कर जब ढक्कन उठता है ना, इसको लाहौर में खुशबू आ जाती है। क्या बात है जी, गोगा ही थी जानवर नालो ज्यादा सोंग गई थी। चौधरी साहब बिल्ली कह दियो ये होर ना जानवर समझ लेने। चाचा इसकी बिल्ली से ज्यादा सोंग है और हाथी से ज्यादा भूख है। मेरा अपना ख्याल ये है जनाब साहब, ये बाकी सियासतदान ये खाबे छापे खिला के तो वोट हासिल करते होंगे, हम अल्लाह के फजल से ये जो लंगर चलाते रहते हैं ये को वोट हासिल करने के लिए नहीं, ये हमारी मेहमान नवाजी है। हमारी मेहमानदारी अल्लाह के फजल से मशहूर है, हम सड़क पे जाते हुए बंदे को खींच के खाना खिला देते हैं। देखें पाकिस्तान की सियासी तारीख उठा के देखें, पीपल्स पार्टी का रोटी कपड़ा और मकान और दूसरे नंबर पे चोई साहब का रोटी छोटी खा के जाना। दो ही तो स्लोगन मशहूर हुए। मैं माफी चाहना जनाब साहब, बड़ा अफसोस है मेरे ताड़ी दानिशवरी दे। एक केड़ी शह किसी ने मिला दी थी जे ओदा ते अज तक वादा ही नहीं होया, रोटी कपड़ा और मकान फोटो ने देन दा गया सी या लैन दा गया सी। आपने भी फिर बाद में रोटी छोटी खा के जाना पे मिट्टी पाओ कह दिया था। हलवा हराम ना बनो, मैं हलवा भी खुआया हो, मैं आप याद है, और अपने हाथ ना चमची ने खुआया तुम। जरा तुम सूप भी आया थी वो साल च एक बार ही बनता है। एक दफा क्यों सूप बनाते हैं? सूरज ग्रहण में बनाते हैं। के प्यारे मेहमान जो होते हैं वो सूरज ग्रहण से कम नहीं होते। अल्लाह के फजल से हमारी जो मेहमानदारी है वो मशहूर है सारे पाकिस्तान। साहब तुम्हारी मेहमानदारी बहुत ही मशहूर है कि खारिया वाली मियां जी की दाल मशहूर है। गल सुनो गौरी साहब, किसी वे मुहावरा गलत करने की भी कोशिश करी दी है। मूँह चंगा ना हो तो गल चंगी कर ली दी होती है। मियाँ जी तो दाल खिला के तो बिल दे देते हैं, तो हम तो रोटी छोटी खिला के साथ फिर गोड़ाले चावल देते हैं। गोड़ाले चावल नहीं भूलते चौधरी साहब मैनू। हाँ जी हाँ जी, खाते जी बहुत पसंद है। कुर्चन भी कहा जाता है जी। हाँ जी मैंने चंगी तरह याद है, रोटी मजेदार सी के भुलदे नहीं और इन्हें ज्यादा खादे के घुलदे भी नहीं अंदर। देव कोल बह के कहंदा रहा कदी साडे वाल भी पग। जनाब बात ये है कि ये सियासी जो हालात हैं पाकिस्तान के, मैं समझता हूँ कौन किधर जा रहा है या कौन क्या कर रहा है, इसको छोड़े इस वक्त एक होने की ज़रूरत है, खुदा के वास्ते कुर्सी की बजाय मईशत देखें पाकिस्तान की, मुल्क के हालात देखें, इकट्ठे हो जाएं, मुखालफीन को भी चाहिए कि एक जगह बैठ जाए, भावे मुंह उधर उधर करके बैठ जाओ। एक जगह बैठना इस वक्त बड़ा जरूरी है। ये मुल्क की जो हालत है, मैं आपको ये वार्निंग दे रहा हूँ, अलार्म कर रहा हूँ मैं, ये अगर एक जगह में ना बैठे तो खुदा ना खासा को हादसा पेश ना आ जाए। सबसे बड़ा तो हादसा ये नजर आ रहा है कि 2023 के इंतखाबात में चौधरी शुजात हुसैन साहब चौधरी शाफे चौधरी सालक के मुकाबले पे होंगे, चौधरी परवेज लाई चौधरी मुनस लाई और चौधरी वजाहत हुसैन। अंदाजा करें ये इंशाल्लाह इनको इलेक्शन में पता चल जाएगा कि हमने बहुत बड़ी गलती की है,
काफली को छोड़ गए। ये अल्लाह के फजल से काफली जो है उसका वोट अल्लाह के फजल से मेरी वजह से अल्लाह ताला की रहमत से मेरी वजह से लोग देते हैं, क्योंकि मैंने हमेशा लोगों से मोहब्बत की है। सही। मैं जो है सो मैं मोहब्बत की सियासत करता रहा हूँ। मैंने कभी किसी के साथ कभी बदतमीजी कभी बात नहीं की, ना ही मैं गालां कड़न वाला चौधरी नहीं है जनाब साहब, मैं प्यार करने वाला चौधरी हूँ। चल साहब माफी के साथ, परवेज इलाही साहब काफ लीग छोड़ के चले गए, आप भी काफ लीग छोड़ के नून लीग में चले गए। वैसे मैं माफी चाहता हूँ, कद भी छोटा है, गल भी छोटी कर दे। परवेज इलाही साहब भी काफली छोड़ के चले गए, मैं भी काफली के छोड़ के चला जाऊँ, पिछो काफली कहाँ चुक के ले जाऊँ। देखे ये याद रखना, काफली है तोते का बच्चा है, कैसे कमा उठा के ले जाए सब। वैसे चोरी साहब अभी सारी जिंदगी देखे काफ लीग नहीं जी चुकी जानी, काफ लीग का बड़ा पार जे। आपकी मेहरबानी, आप सही कह रहे हैं। देखे अपनी शिनाख्त जिसने भी छोड़ी है वो बेचारा बेनाम हो जाता है। फरूक लगारी साहब के 20-22 सीटें थी, वो अपनी पार्टी छोड़ के तो काफली में आ गए, तो किधर गए ने मेरे बेचारे। बात यह है कि कोई भी हो, कोई अपनी पार्टी छोड़ के हमारे अंदर आ जाए या हम छोड़ के कहीं चले जाए, जो अपनी शिनाख्त छोड़ दे वो बेनाम हो जाता है बंदा। इसलिए मैं काफली छोड़ के नहीं कहीं भी जा सकता, काफली खुद बनाई है, आप बना के आप छड़ दिया। गोगे नु पूछो इन्हें कोरमा बनाया हो तो छड़ के जा सकते हैं। इन्हू भावे फोन आ जाए सके चाचे ही फौत हो गए ने, इन्हें कहने यार मरते एक दिन जाना ही है, कोरमा रोज रोज नहीं बनता।